नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव के कुल मिलाकर 59 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सीए, एमबीए, एमसीए, एमटेक, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, बीकॉम, बीबीए, बीई या फिर बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट https://dfccil.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन 82 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2021 की शुरुआत बीते दिन बुधवार से हो गई। इस दौरान परीक्षा के पहले दिन राजधानी पटना समेत 18 जिलों से कुल 82 परीक्षार्थी कदाचार के आरोप में निष्कासित किए गए। सबसे ज्यादा भोजपुर जिले से छात्रों के निष्कासन होने की खबर है, जहां 21 छात्र को कदाचार के आरोप में पकड़ा गया। वहीं उसके बाद मुंगेर जिले से 20 छात्रों को निष्कासित किया गया। आपको बता दें कि इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन ज्यादातर केंद्रों पर 100 से 200 तक परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। वहीं 5 जिलों से कुल 15 फर्जी छात्रों को भी पकड़ा गया, जिसमें सबसे ज्यादा सुपौल और मधेपुरा जिले से थे। वहीं आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने इस बार एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी बदला है। इस बार 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए 100 प्रश्न दिए गए थे, वहीं लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दोगुने किए गए थे। पराली जलाने पर अब किसान नहीं ले सकेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। अब बिहार के किसान अगर अपने खेतों में फसल की कटाई के बाद पराली को जलाते हैं तो वे सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। दरअसल बिहार सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत खेत में पराली जलाने पर किसानों को 3 साल तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस नए नियम को लागू करने वाली है, जिसे कृषि विभाग के साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी तैयार किया है, जिसके तहत अब सिर्फ राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पराली जलाने वालों का किसान के रूप में निबंधन को 3 साल तक रद्द किया जा चुका है। राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। आने वाले जून महीने में राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ पुस्तकालाध्यक्षों का तबादला किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने एक रणनीति के तहत ये प्लान बनाया है, जिसके तहत जून महीने में ही ट्रांसफर की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बता दें कि जून महीने में ही गर्मी की छुट्टी भी होती है, इससे शिक्षकों का तबादला भी बिना परेशानी के हो सकेगा और छुट्टी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली के आधार पर ट्रांसफर के आधार को तैयार कर लिया गया है। इसके तहत ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस ऐच्छिक तबादले का लाभ एक ही बार मिलेगा। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षक दूसरे जिलों में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, जबकि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर अंतर जिला में ही किया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए निगरानी विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अगर आपसे भी किसी सरकारी विभाग में रिश्वत मांगे जा रहा है या फिर आपको किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो आप इसकी शिकायत बस एक फोन कॉल में कर सकते हैं, जिस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बिहार सरकार के निगरानी विभाग ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इसके लिए एक टोल फ्री नंबर को जारी किया है। इसके तहत आप रिश्वतखोरों को पकड़वाने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही लिखित शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय 6 सर्कुलर रोड पटना पर भी भेज सकते हैं। पटना के मर्ची में कल होगा भव्य सूर्य मंदिर का उद्घाटन। राजधानी पटना की मर्ची पंचायत में निर्मित बेहद ही खूबसूरत सूर्य मंदिर का उद्घाटन कल होने जा रहा है। इस सूर्य मंदिर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद करने वाले हैं। इस दौरान बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और पटना साहिब के बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम TCIL के द्वारा पूर्ण किया गया है। बेहद ही खूबसूरत इस सूर्य मंदिर में छठ पूजा के लिए घाट निर्माण, घाट के चारों तरफ पाथवे, सोलर लाइट्स, ट्यूबवेल, अप्रोच पथ व सौंदर्यीकरण का सारा काम पूरा कर लिया गया है। पूर्व डीजीपी पर गंभीर इल्जाम लगाने वाले डीएसपी को मिली सजा। बिहार के पूर्व डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अपशब्द और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले डीएसपी पर गृह विभाग ने एक्शन लिया है। स्पेशल ब्रांच के डीएसपी पंकज कुमार शर्मा को झूठे आरोप लगाने के कारण गृह विभाग ने सजा दी है। गृह विभाग ने डीएसपी पर निंदन और 2 वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी है। डीएसपी पंकज कुमार शर्मा पर आरोप है कि साल 2019 में सोनपुर के एसडीपीओ के पद से ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह में तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग सीधे पुलिस महानिदेशक स्तर से हुआ है, वो भी समूह में नहीं बल्कि अकेले, जिसके बाद गृह विभाग ने उनसे शो कॉज भी भेजा था।
रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस ने किया झारखंड में छापेमारी। चर्चित इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। हत्याकांड के आरोपी ऋतुराज को रिमांड पर लेने के क्रम में पटना पुलिस ने विशेष पूछताछ किया, जिसमें ऋतुराज ने रोडवेज में ही रुपेश की हत्या करने की बात कबूली। इसके साथ ही उसने बताया कि हत्या में शामिल उसके दो अन्य साथी घटना के बाद झारखंड के मैकलुस्कीगंज में भाग गए थे, जिसके आधार पर बिहार पुलिस झारखंड में अब छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस आरोपी ऋतुराज के मोबाइल नंबर को लेकर भी पड़ताल कर रही है। लोजपा के कई नेता आज जदयू में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हार के बाद कई नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इस बीच आज एलजेपी से निकाले गए नेता केशव सिंह की अगुवाई में एलजेपी के कई नेता जदयू में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व प्रवक्ता केशव सिंह ने लोजपा के 60 से अधिक नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ 18 फरवरी के दिन जदयू में शामिल होने का दावा किया था। इसके साथ ही ये भी दावा किया था कि पार्टी छोड़ने जा रहे नेताओं में कई जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को जदयू के पटना कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें लोजपा के बागी नेता शिरकत कर औपचारिक रूप से जदयू में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में भी लोजपा के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी छोड़कर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। वहीं इन परिस्थितियों में लोजपा के लिए यह खबर चिंतनीय है। जदयू नेता अजय आलोक आरक्षण वाले ट्वीट पर बिहार में सियासी पारा चढ़ा। सूबे की सियासत एक बार फिर आरक्षण के सवाल पर गर्म हो गई है। दरअसल जदयू नेता अजय आलोक के आरक्षण वाले ट्वीट के बाद तमाम नेताओं के ट्वीट रिट्वीट का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिन जदयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया था कि आरक्षण के प्रावधान में भी संशोधन होना चाहिए। नियम बनना चाहिए कि एक बार आरक्षण के लाभ से पढ़ाई व आगे नौकरी मिल गई तो उस व्यक्ति की अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तभी इन जातियों के बड़े वर्ग को लाभ मिल सकता है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि कुछ परिवारों की पकड़ से आरक्षण को छुड़ाना जरूरी है। इसके जवाब में विपक्षी दल आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव ने ट्वीट किया कि इस बयान से जदयू के आरक्षण के प्रति सोच स्पष्ट होती है। जदयू की सोच भी भाजपा की तरह आरक्षण के खिलाफ है। नेतृत्व के मर्जी के बिना कोई पार्टी नेता आरक्षण पर ऐसा बयान नहीं दे सकता है। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा कि दलित आदिवासियों के विरोधी ही आरक्षण में संशोधन की बात कह सकते हैं। किसानों के समर्थन में जाप कार्यकर्ताओं ने किया रेल चक्का जाम। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर आज राज्य भर में रेल चक्का जाम किया गया। इसी क्रम में जाप के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कैमूर जिले के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर हावड़ा जोधपुर ट्रेन को रोककर रेल चक्का जाम किया। इस दौरान सभी नेता कृषि बिल को वापस लेने की मांग और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। इस दौरान हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस काफी देर तक स्टेशन पर रुका रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी ने किया प्रदर्शन। देश भर में डीजल पेट्रोल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर आरजेडी के सैकड़ों नेताओं ने बुधवार को राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। वहीं कई कार्यकर्ता अपने सिर पर सिलेंडर उठाए भी नजर आए। इस प्रदर्शन में पार्टी की कई महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि जब तक गैस की कीमतों में कमी नहीं आती है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं आरजेडी नेताओं ने कहा कि श्रीलंका और नेपाल में तेल की कीमतें भारत की तुलना में आधी है। अब नेपाल श्रीलंका जाकर तेल तो भरा नहीं जा सकता है। बीजेपी से लोजपा में शामिल हुए रामेश्वर प्रसाद ने अब लोजपा का दामन छोड़ा। बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोजपा में शामिल हुए रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने अब लोजपा का भी दामन छोड़ दिया है। उन्होंने बीते दिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसमें अपने इस्तीफे पत्र में विधानसभा चुनाव में लोजपा से टिकट देने के लिए चिराग पासवान को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि भाजपा से लोजपा में शामिल हुए चौरसिया ने लोजपा से चुनाव भी लड़ा था, मगर उन्हें हार मिली थी। संभावना जताई जा रही है कि अब वो फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भाजपा में रहने के दौरान रामेश्वर चौरसिया 3 बार नोखा विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी जीत चुके हैं। खेसारी लाल यादव के साथ विवाद पर सफाई दिया काजल राघवानी ने। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी खेसारी यादव और काजल राघवानी के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं है और हाल ही में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होने से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल खेसारी ने काजल पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं अब काजल ने भी जवाबी हमले में कहा कि वो मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। काजल ने कहा कि अगर मैं उन पर धोखा देने का आरोप लगाऊंगी तो बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मैं फालतू के विवाद में नहीं पड़ना चाहती। काजल राघवानी ने कहा कि मैंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल
किया है और खेसारी यादव हर जगह मुझे बदनाम कर गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। शायद गुजराती होने की वजह से मुझे टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर रखी अपनी बात। टीम इंडिया की शानदार वापसी को देखते हुए शोएब अख्तर ने भारत के जीत की भविष्यवाणी की है। शोएब अख्तर ने भारत के 3-1 से सीरीज जीतने की बात कही है। अपने यूट्यूब चैनल पर शोएब ने कहा कि मैंने भारत की हार पर बहुत सारी आलोचनाएं सुनी थी, लेकिन मैंने कहा था टीम इंडिया जबरदस्त वापसी करेगी। टीम इंडिया पहला मैच जरूर हार गई, लेकिन अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि यह सीरीज भारत 3-1 से जीतने में सफल रहेगा। आपको बता दें कि तीसरा टेस्ट मैच 23 फरवरी से अहमदाबाद में खेला जाएगा, जिसे जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की संभावनाएं और भी मजबूत होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार टोल फ्री नंबर जारी करने से बिहार सरकार रिश्वतखोरी पर शिकंजा कसने में सफल हो पाएगी या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।